वीडियो 10J चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन। आज हम इस वीडियो 10J में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, सिंपल है, क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप ना कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, आ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। क्लियर, क्वेश्चन में सिंपल है, एक टेबल टॉप है और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चंस में गिवन होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल 2 मीटर और ब्रेथ 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इसका मीन्स साफ साफ होता है 1.50 मीटर, क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ टेबल क्या होता है, एरिया ऑफ टेबल जब भी आपको लेंथ और ब्रेथ दियो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्लियर। लेंथ कितनी दी है 2 है और ब्रेथ 1.50 मीटर, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, कितनी होगी 3 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व ना हो आपसे और ना समझ में आए। वीडियोस को देखें आप, एक बार नहीं दो बार नहीं, जब तक ना समझ में आए। जब भी ना समझ में आए तो हमसे आप क्लियर करें, डिस्कस करें, पूछें, हम आपको बताएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि आर रूम अस 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, ठीक, इस तरह से। तो आपको इसका आपको एरिया निकालना है, साफ साफ कह रहे हैं, ठीक है, आपको एरिया निकालना है। जब इस तरह क्वेश्चन हों तो आपको एरिया निकालना है इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन 8 को आप क्वेश्चन 7 की तरह कर सकते हो, लेकिन इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में दिया है तो इसको तो सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है, उसको समझे ध्यान से कैसे करना है। तो सॉल्यूशन लिखें सबसे पहले, तो आप जो सॉल्यूशन लिखते हैं हर बार की तरह, आ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लेंथ ऑफ फ्लो लिखें, जो रूम 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, आ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ डेट द नॉट कारपेटेड, ठीक, इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप सबसे पहले, ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी दी है 5 मीटर और ब्रेथ दे दी है, आपको ब्रेथ जो दी है उसको भी गिवन है, लिख लेते हैं, और फ्लोर 4 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालें पहले आप, एरिया ऑफ फ्लोर तो क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ
तो लेंथ कितनी है इसकी, ये आपको गिवन है, लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, 5×4=20 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमको एक हमको दिए स्क्वायर स्क्वायर कारपेट दिए, क्या दिया, स्क्वायर कारपेट दिए हम पर, स्क्वायर कारपेट दिए हमको, उसकी साइड है, साइड साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कारपेट ये आप क्वेश्चन में गिवन है, ये दिए 3 मीटर, ठीक है। यहाँ निकालेंगे एरिया, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं आप, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट क्यों थी, साइड मल्टीप्लाई साइड, 3×3 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह आपको यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट आ गया। अब उस हमको जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेट, तो आपको ये निकालना है, तो उसको निकालने के लिए जो दोनों का स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो उनका आप रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, तो इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस निकाल लें इनका एरिया में से, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप देखते हैं इसको, तो यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड 20 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर, तो उस वो एरिया 11 मीटर स्क्वायर है जिसमें फाइंड एरिया ऑफ द फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड, ठीक है, जो हम क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने आज क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क में दिया, तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें, और मैं आपसे जो कहता हूँ हर बात कि पहले वीडियोस को देखें समझें तब नोट करें, डायरेक्ट नोट नहीं करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।